أَلَمْ يأنن الذين آمَنُوا تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون प्रस्त हिदायत नहीं पाते ठीक है जी और इनमें से बात ऐसे भी हैं कि तेरी तरफ कान लगाते हैं यहाँ तक कि जब तेरे पास से जाते हैं चहल इल्म से पूछते हैं कि इसने अभी क्या कहा था यही लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मुहर कर दी और वह अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं और जो लोग हिदायत याफ्ता हैं अल्लाह ने इन्हें हिदायत में बढ़ा दिया अल्लाह हमें भी बढ़ा दे और इन्हें इनकी परहेज़कारी अता फ़रमाई अल्लाह हमें भी तकवा और अता फ़रमाए तो देखिए आयत सिक्सटीन में मतबू अलई दिल पर मोहरें कब लगती हैं किस दिल पर जब नफसाती नफसानी ख्वाहिशों का पैरोकार बंदा बन जाए और वो वही है जिसको बड़ी मारूफ़ टर्म है ईट ड्रिंक बी मैरी बतन और फर्ज के तकाजों में जीने वाले सिर्फ़ मैं कैसी लगूंगी मैं क्या पहनूंगी मेरी ईद का जोड़ा कैसा है मैं क्या ऐसे लोगों को याद रखिए हिदायत कम ही मिलती है और मिली हुई हिदायत भी वो फिर ही कर देते हैं इला माशाल्लाह अल्लाह तला ख़्वाहिशों से बचा के रखे ऐसे लोग लापरवाह होते हैं और गफ़लत बरतने वाले होते हैं और हक को हक नहीं जानते हालांकि उनको पता लग चुका होता है लेकिन फिर भी कुछ ख्वाहिशात दिल में अपनी अंगड़ाइयाँ लेती हैं और वो फिर पीछे हो जाते हैं फिर आप देखिए आयत सेवनटीन में आपको पता चल गया कि जितना ज्यादा तकवा उतनी ज्यादा हिदायत यह तस्वीर तो जन्ना के आप पहले लेसन में दूसरे में सुर लेसन में सुन लेते हैं हदमतिन में आपसे भी पूछ लो मुत्तकी कौन है आप कहते दाढ़ी वाला निकाब वाला मस्जिद में पांच वक्त नमाज पढ़ने वाला हालांकि मुतकी ये नहीं है आपके सीरीज के भी शुरू के लेक्चर में बता दिया था मुतकी वो है जिसको तड़प लग जाए कि मैंने खुद को बदलना है जिसको अपनी बुराइयाँ चुभने लगें और माशाल्लाह आप अभी तक 25वें पारे तक साथ हैं और 26वां भी आज पूरा हो रहा है अल्लाह आपको इसमें जमाए रखे जो लोग पहली दफ़ा सुन रहे हैं मेरे दिल में उनके लिए बहुत प्यार और मोहब्बत है और दुआएँ कि अल्लाह आपके हिदायत के सफ़र को बढ़ाता ही रखे अल्लाह तला तकवा वालों के रुश्त और हिदायत में इजाफा करता है नीयत इरादे और कोशिश करने वालों को हिदायत देता है अल्लाह हमें भी दे दे हिदायत और निफाक वाले वो सारे रवैयों से बचा दे जो अल्लाह के नबी के दौर में कुछ लोग जो दिल में खोट रख कर आपकी महफिलों में आते जाते रहते थे और सच्चे मोमिनों की खताओं को अल्लाह ताला माफ़ कर दे आए